है, तुम खड़ी क्यों हो? जाओ ना जल्दी। हाँ, हाँ। मैं तब तक उस जानवर को ढूंढता हूँ। बाहुजी को पता चला तो हे भगवान क्या करूं मैं। हे भगवान, बाल बाल बची, शेरू भैया खुद ही वापस आ गए। लगभग मैंने उसे पकड़ ही लिया था, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। हो सकता है जंगल की तरफ भागा हो। सुरंग में उस जानवर ने किसी आदमी पर हमला किया था, हो सकता है वो आदमी अभी भी जिंदा हो। मैं जाकर देखता हूं। आनंद, 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 आनंद उठो, आनंद, आनंद आंखें खोलो। उठो, उठो। मैं यहाँ, क्या हुआ? वो कुछ नहीं, वो मैं यहाँ से गुजर रहा था तो तुम्हारे चिल्लाने की आवाज सुनी। मैं जब तक दौड़ कर आया तो तुम यहाँ बेहोश पड़े हुए थे। हाँ, ठीक हो? कोई जंगली जानवर था शायद।
इस जानवर को सुरंग के बारे में पता है, तभी तो आनंद को वहां लेकर गए। इसका मतलब ये वही है जो मंदिर में लोगों पर हमला करता है। लेकिन तुम यहां जंगल में क्या कर रहे हो? दोस्तों, तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। मैं यहां सौम्या से मिलने आया था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो आज कुछ हड़बड़ी में थी तो वो यहाँ से चली गई। बस मैं जैसे ही जाने को हुआ, पीछे से उस जंगली जानवर ने मुझ पर हमला कर दिया। तुम्हें बहुत चोट आई है, चलो घर चलते हैं। चलो राहुल, ये जंगली जानवर के हमले वाली बात घर में किसी को मत बताना, सब बहुत परेशान हो जाएंगे। और ये सौम्या वाली बात भी, वक्त आने पर मैं सबको सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, चलो। संभल के। अरे कौन है, रुको। हे भगवान, ये क्या हुआ? हाँ सुनिए, नीचे आइए। अरे क्या हुआ, देखिए क्या हुआ बेटा। हाँ ये चोट कैसे लगी बेटा? अरे मैम कुछ नहीं हुआ, जरा सी चोट है, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये चोट छोटी सी है। गौरी जा बेटा, पट्टी और लेप ले क्या। अरे ये चोट लगी कैसे बेटा, ये बहुत बहुत ही गहरा घाव है, लगता किसी ने हमला किया है। नहीं बाबूजी, मेरा पैर फिसल गया था और नुकीले पत्थरों पे जा गिरा, उसी का घाव है। ये तो भला हो राहुल का, वहीं आसपास था, सही समय में मदद कर दी। राहुल बेटा, ये दूसरी बार है जो तुमने हमारे परिवार के सदस्य की मदद की है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किस बात का, ये तो मेरा फर्ज था। बस अब इसके पाँव में बीड़ियां डलवा दीजिए। मतलब? मेरा मतलब है कि इसकी शादी करवा दीजिए। शादी हो जाएगी तो इसका पाँव नहीं फिसलेगा और फिर इसकी ऐसी हालत नहीं होगी और रातों को यूं जंगल में नहीं घूमता फिरेगा। हाँ क्यों नहीं, लेकिन आनंद से पहले गौरी बेटी के हाथ पीले करने होंगे। गुड्स, क्या कह रहे हैं ये? सर, ये पूछ रहे हैं कि आपके पास सामान है। मंगवाओ सामान और इनसे पूछो ये पैसे लाए कि नहीं। वेयर इज मनी? वी हैव द मनी, जस्ट वेट।
अब ये रुपए आदिवासियों के सरदार को पहुंचाने होंगे। शेरू तो बस के बाहर होता जा रहा है, कोई भी उपाय नजर नहीं आ रहा उसे काबू करने का। तुम्हारे रहते वो बाहर गया कैसे? मैंने कहा था ना उस पर नजर रखना। बाबूजी हम तो रसोई घर में बस पानी पीने गए थे, 2 मिनट भी ना लगे और इतने देर में भैया पीछे से निकल गए। और तो और बाबूजी वो राहुल भी ना घर के आसपास किसी जंगली जानवर को ढूंढ रहा था। हमें तो लगता है उसने भैया को देख लिया था। क्या कह रही हो तुम? हाँ बाबूजी, ये तो अच्छी खबर ना है। अगर राहुल को जरा सा भी शक हो गया ना तो पीछे पड़ जाएगा और बरसों से दबाया हुआ ये राज खोद के दुनिया के सामने ले आएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर हाल में उसे रोकना होगा, हर हाल में रोकना होगा उसे। आज मैं मंदिर में जाकर रहूंगा। अबे उठ, उठ। क्या रे? हैं? तू कहे तो कंबल और खटिया मंगवा लो। हैं? अबे आंखें खोली और दिमाग चौकस रख, तेरा तो ससुर है ना राहुल, वो मंदिर में घुसने के ताक में होगा। अभी उनका पीछे हट रहे हैं बच्चा, आंख खोल के इंतजाम कर दो आप। ए किशन, बिरजू की दुकान पर जा और कड़क चाय बनवा ला, चाय पियोगे तो नींद उड़ जाएगी, पूरी रात पहरेदारी करनी है समझा। चल उठ, जागो जागो। लखन भैया के खाते में लिख लेना। हाँ ठीक है। दोपहर चाय मिली सबको? हाँ हाँ, खुली कि नहीं? पियो, नींद खुल जाएगी सबकी। अबे सो गया क्या? हाँ? अरे अबे क्या हुआ? बैठ। अबे किसना? ए क्या? अरे हुआ क्या? आप क्या हो रहा है? ये Thank you.
सुबह से पहले ये उठने से रहे। मेरे पास काफी समय है मंदिर में जाकर वो रास्ता खोजने के लिए। ये आवाज कहां से आ रही है?